इंडिया अगर सेकुलर कंट्री है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया को पता है कि, और अप्रिशिएट करूंगा मैं इंडियन गवर्नमेंट्स की जो इतनी तनकीद की जाती है, मुसलमान इंतहा पसंद है, लेकिन उसने कहा कि बॉल में कुछ फिट किया गया है। बॉल में फुट स्प्रिंग हाँ किया गया है। बिल्कुल, स्पिन के लिए कोई पता नहीं। 3 मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप में 15 विकेट्स, मतलब आप सोचें, ये मोहम्मद शमी जो है उनको जितना भी अवार्ड दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि कम है। इधर हमारे मुल्क के अंदर दानिश कनेरिया के बाद कोई एक सिख प्लेयर इतना, दानिश कनेरिया आया था उसके बाद मेरे ख्याल से कोई नहीं आया नहीं यार, जो नहीं आया हमारे पास पंजाब की पट्टी से बाहर का कोई प्लेयर, एक सिख प्लेयर हमारे मुल्क में खेल रहा है। और हमें भी पता चलेगा कि भाई ये सबकी कंट्री है, सिर्फ मुसलमान की। के जरूरी नहीं है कि मैं ग्राउंड के अंदर ही सजदा करने के लिए झुका हूँ, मैं वैसे ही नीचे हुआ था। कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के अंदर आया, कह दिया भाई दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सजदा करने से नहीं रोक सकती। मैं वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, बात करने जा रहे हैं अर्जुन अवार्ड की, और अगर आज अर्जुन अवार्ड जो कि मोहम्मद शमी को दिया गया है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मोहम्मद शमी को इतना अरसा वो खेले नहीं है, अब आके अर्जुन अर्जुन अवार्ड भी उन्होंने ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए मोहम्मद शमी जो है उनको जितना भी अवार्ड दे रहे हैं मैं समझता हूँ कि कम है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस में रही है उसको देखते हुए तो मैं यही कहूँगा माइंड ब्लोइंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। और फिर सेकेंडली उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने उनको जिस तरह से उनको नवाजा है, ये अवार्ड दिया अर्जुन अवार्ड, ये वाकई में बड़ा हाईली अप्रिशिएट है। हमारे यहाँ पर जितना मर्जी परफॉर्मेंस दिखा दे, वैसे तो हमारी टीम में कोई परफॉर्मेंस दिखाता नहीं है, लेकिन अगर दिखा भी दे तो कभी भी इस तरह से कभी किसी को अवार्ड नहीं दिए गए, तो ये एक बड़ा अच्छा एप्रिसिएशन है जो उनकी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। और सेकेंडली फिर उसके साथ उनको देखें, एक प्लेयर्स के लिए एक मज़े की चीज़ ये भी है कि उनके नाम पे स्टेडियम भी बनाए जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद शामी का नाम, बिल्कुल, मोहम्मद शमी के नाम से उन्होंने स्टेडियम बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने, आप देखें कि उन्होंने पिछले दिनों बड़ा उनका इंटरनेट के ऊपर ट्रॉलिंग चल रही थी कि जी वो उनको वो सजदा करने के लिए जो झुके। पाकिस्तानी मीडिया ने खूब हाँ, डाला बड़ा था। उन्होंने किया कि जी उन्होंने सजदा करने के लिए गए और वो फिर उसके बाद वो रुक गए, सजदा नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं, उनका इंटरव्यू भी एक आया था कोई उन्होंने तकरीबन क्लियर लास्ट में, किया था। लास्ट मंथ उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ग्राउंड के अंदर ही सजदा करने के लिए झुका हूँ, मैं वैसे ही नीचे हुआ था, ऐसी बात नहीं है। और वो सजदा मुझे करना होता मैं कर लेता, लेकिन मेरे लिए बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, मैं मजीद अपनी नमाज से प्रेयर है उसके टाइम में अपना सजदा करता हूँ। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर भी चलती रही हैं। तो बहरहाल अभी जो अर्जुन अवार्ड के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में वो ये डिजर्व करते थे ये अवार्ड को, बल्कि मैं तो समझता हूँ जितने मर्जी उनको अवार्ड दिए जाए वो कम है उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा देखते सर, हुए। बात करने जा रहे हैं मोहम्मद शमी इतने बैकअप पे रहे, अगर आप अगर हार्दिक पांड्या ना इंजरी होते तो फिर तो उनका टाइम ही ना था। हार्दिक पांड्या इंजरी हुए तो मोहम्मद शमी आए, उन्होंने परफॉर्म दिखाया अपने वर्ल्ड कप के अंदर, क्या कहेंगे सर? एक डिसीजन लिया रोहित शर्मा ने, उनके जो हालात पीछे आपको पता, जितना जिस तरह उनको लोगों ने ट्रोल किया, काफ़ी लोगों ने निकाल दिया, देशद्रोही भी कह दिया उन्होंने, क्या कहेंगे? जो उनकी इतनी मुश्किलात आई फिर उन्होंने मैच पे अपना कमबैक किया, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए आप जो बात अभी कर रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या के इंजरी के बाद उनको यहाँ आने का मौका मौका मिला। मिला, ऐसी बात नहीं है। देखिए हार्दिक पांड्या अपनी जगह पे प्लेयर हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं। पर्सनली मुझे हार्दिक पांड्या इतने ज़्यादा पसंद नहीं है जितना आप कह रहे हैं, और मोहम्मद सिराज, क्योंकि सॉरी जो मोहम्मद मोहम्मद शमी जो है उनकी परफॉर्मेंस तो सारी वर्ल्ड ने देखी है। तो ये एक क्रिकेट बाय चांस है, ये उनकी लक थी, अल्लाह ने उनको जो है एक मौका दिया इज्जत और देनी इज्जत थी। देनी थी उन्होंने, और वो उनको मौका मिला, ये अल्लाह की तरफ से एक चांस बना, और देखें अल्लाह ने उनको इज्जत नवाजी है, और आज पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है। और जिस तरह से उन्होंने एशिया कप के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके अंदर, जिस तरह से पूरे मैचेस उन्होंने जीते हैं 11 के 11, और 12वां चले बैड लक थी, एक नहीं हो सका। बैड तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। और इवन एक टाइम ऐसा भी आया था कि बहुत से मीडिया के लोगों ने ये भी एक क्वेश्चन रेज कर दिया जी कि ना पिचेस ऐसी बनाई गई हैं जिसके बॉल सिर्फ मोहम्मद शमी का जो है वो स्विंग हो रहा है, या बॉल चल रही है, विकेट्स ले रहे हैं, तो ये भी एक कैसा रही है सुनने को मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बॉल में कुछ फिट किया गया है। बॉल में फुट स्प्रिंग हाँ किया गया है। बिल्कुल, स्पिन के लिए कोई पता नहीं माइक्रो कैमरा या कुछ चिप्स वगैरह, पता नहीं, आई डोंट नो क्या ये कहानी ये है। पाकिस्तानी सारा कुछ अनबिलीवेबल बनाया चीजें सुनने को मिलती हैं, मतलब वो भी बॉल में ऐसी सिर्फ कौन सी मोहम्मद चीप शमी है। की बॉलिंग हाँ जी बिल्कुल, वो बॉल जो है मतलब वो फिर गायब हो जाता है और फिर एकदम से कोई नए बॉलर के हाथ में आता है और उसको वो स्विच नहीं मिलता। तो ये बड़ी एक फनी सी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी ये इन चीजों से ना परहेज करना चाहिए, और अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे उनकी गवर्नमेंट ने खुद से उनको अप्रिशिएट किया और एक बहुत अच्छा इन्होंने अवार्ड दिया है। मैं उनको गुड लक कहूंगा,
आगे भी अल्लाह उनको इसी तरह से नवाजता रहे, कामयाबियां और अवार्ड उनको मिलते रहे। अर्जुना से भी बड़ा कोई अगर श्री राम का कोई है, अगर उनको कोई अवार्ड है तो वो भी उनको मिलना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करने जा रहे हैं मोहम्मद शामी की। मोहम्मद शामी के अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहेंगे इस वाले? सर वो डिजर्व करता जिस तरीके से उसने 2023 में परफॉर्मेंस किया वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब उसके अलावा किसी का नाम सर फहरिस्त में आता ही नहीं है। जिस तरीके से इंडिया को उसने फाइनल तक लेकर गया, 3 मैचेस के अंदर 15 विकेट, इट्स अ ह्यूज मार्कअप। और आई एम वेरी हैप्पी कि यार उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया, एंड आई गेस इज द ओनली मुस्लिम टू गेट अर्जुन अवार्ड। अच्छा, पर हम अगर बात करें, हमें कहते हैं जी पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की हम बात करने जा रहे हैं जी, वहाँ कहते हैं मुसलमानों की वहाँ पे जो हक नहीं है उनको दाव होते हैं, वहाँ पे उनको किसी मतलब मुसलमानों को मारा जाता है, वाटर कुछ भी बातें करते हैं। देखिए मोहम्मद शामी एक मुसलमान तो उनको अवार्ड दे दिया, ये कैसी बात है? तुम्हारी तो मीडिया ने बात नहीं, अब मीडिया बात करेगी कि मुसलमान को दिया। देखिए जितने मुंह उतनी बातें, ये मैं बस यही कहूंगा, क्योंकि इंडिया इंडिया अगर सेकुलर कंट्री है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया को पता है जी हमने टैलेंट को कैसे प्रमोट करना है, हमने अच्छे इंसान को आगे कैसे लेकर आना है। मोहम्मद शामी एक मुस्लिम है, उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी थी भाई, वो सजदा करने लगा था, हाँ लेकिन वो उसने इंटरव्यू ये में मीडिया मीडिया में बात हुई मीडिया थी। में बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये सजदा करने लगा था, उसको सजदे से रोक दिया, ये कर दिया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू के अंदर आया कह दिया भाई दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सजदा करने से नहीं रोक सकती, मैं मुसलमान और मेरे दिल में इस्लाम है। मतलब आप क्यों इस चीज को इतना नेगेटिव लेकर चल रहे हो? अगर इंडिया किसी चीज को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, एक टैलेंट को प्रमोट कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो। अगर चलो कर नहीं रहे तो आप क्यों हिंदू प्लेयर ले हो? टैलेंट कम है पाकिस्तान में? आप दानिश कनेरिया आया था, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई नहीं आया, नहीं या दुनिया है हमारे पास। पंजाब की पट्टी से बाहर का कोई प्लेयर नहीं है। आप ये बलोचिस्तान का एक प्लेयर जोन सा है वो भी आया है, तो अल्लाह करे वो टिक जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान टीम के अंदर पंजाब की पट्टी के प्लेयर है, बाहर का कोई प्लेयर नहीं अच्छा आता। सर, बात करने जा रहे हैं मोहम्मद शामी एक मुसलमान है, और हमें काफी ज्यादा ट्रोलिंग की गई इस बात की। सर हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कब तक कदर होगी? अगर मोहम्मद शामी की सर उन्हें कम बैक किया, काफी अर्से पर उनको कम बैक इंजरी रही है, उसके बाद आपको पता है वो काफी रिजर्व में बैठे रहे, फिर हार्दिक पांड्या की इंजरी जिसके बाद वो अपना कम बैक उन्होंने लिया, क्या कहेंगे इस वाले सर आप? देखिए उसका कमबैक जो था माइंड ब्लोइंग कमबैक था, मतलब हिस्ट्री में कभी शायद ही ऐसा कोई कमबैक कर पाए, 3 मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप में 15 विकेट, मतलब आप सोचें ये एक ड्रीम कमबैक होता है किसी प्लेयर के लिए कि यार मैं आऊं और छा जाऊं आते ही, और वो आगे छा छा गया, और जिस तरीके से वो छाया है ना, मतलब आप देखो कि आती नस्लें भी याद करेंगी यार मोहम्मद शामी ने जैसे कमबैक किया था ना, कोई एक आधा कमबैक जिंदगी में ऐसा दिखा दे तो मतलब वो कमबैक दोबारा नहीं आने वाला। उसके बाद ये हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में टैलेंट क्यों नहीं आता, पर्चियां चलती हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है जोन सी। अगर आपने PSL खेलना है तो आप इतने पैसे दे दो, अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट खेलना है तो इतने पैसे दे दो, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया था। अगर टैलेंट प्रमोट हुआ होता, हमारे पास एक बैट्समैन आया था हमाद आजम के नाम का, अगर टैलेंट को प्रमोट किया होता तो वो दूसरा अब्दुल रजाक का। चले ठीक है सर, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मोहम्मद शामी के लिए, और उन्होंने अपने टैलेंट को प्रमोट किया है। और मोहम्मद शामी देख लें, एक रिजर्व प्लेयर आके इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है मोहम्मद शामी के लिए। और अप्रिशिएट करूंगा मैं इंडियन गवर्नमेंट्स की जो इतनी तनकीद की जाती है, मुसलमान इंतहा पसंद है, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद शामी को अर्जुना अवार्ड से नवाजना ये बहुत बड़ी बात है, और हर प्लेयर के लिए ये अचीवमेंट करना है का ख्वाब रहेगा मोहम्मद शामी को जिस तरह नवाजा गया। सर हमारे बैट्समैन क्यों नहीं नाम आता किसी भी बात करें, ये नहीं इसके अर्जुन अवार्ड की बात है, बड़े कोई भी अवार्ड्स की बात करता हूँ, कब तक होंगे? मेरी बात सुने, अगर हमारे इधर अच्छा प्लेयर आएगा, अगर वो अच्छी टीम चला रहा है, तो हमारे क्रिकेट बोर्ड से ही नहीं रहा जाएगा। अच्छा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि उसको पैसे चाहिए भाई। किस वजह से पता है आपको? समझ लग गई है ना, वो अगर बात नहीं मानेगा उस हिसाब से तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको निकलवा दिया जाएगा, उसके खिलाफ कमेटियां बिठाई जाएंगी, उसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस होंगे, उसके खिलाफ मीडिया खरीदी जाएगी। ठीक है, आपको पता है पिछले हमारा एक प्लेयर है उसको जहनी तौर पे मार दिया गया, अब वो बेचारे परफॉर्म ही नहीं हो रही है, सब समझ गए, फैंस इतने भी बोले नहीं है जो समझे ना हो। हमारा एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसके खिलाफ कमेटियां बिठाई गई थी बकायदा, बाबर आजम की बात कर, वीडियोस लीक ऑडियोस लीक हुई है लोगों, बाबर आजम की बात, ठीक है बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। कितना बेहतरीन प्लेयर था, कितना विराट कोहली की तरह हर पिच में जाके वो परफॉर्म करते थे, तनकीद अपनी जगह। एक प्लेयर को जो हमारे पास एक अच्छा प्लेयर आया था उसको भी हम खो रहे हैं, ठीक है अगर हम बात करें तो, इसी वजह से हमारा मुल्क के जो टैलेंट है ना ये ऊपर नहीं आता, उभर के नहीं आता, और हमारे टैलेंट को जो है वो क्रिकेट टैलेंट की बात कर रहा हूँ, वो दबाया जाता है। हर टैलेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट लेवल तक वो आता ही नहीं है बेचारा ऊपर तक। ठीक है सर, आज जब बात करने जा रहे हैं सर लास्ट में, मुझे बताएं जब वो आपको पता मैचेस हुए थे और जब जीते हैं तो मोहम्मद शामी नीचे गिरे, तो पाकिस्तानी अवाम ने मीडिया ने यहाँ पे फैल फैला दिया कि वो सजदे में जाने लगे थे, जो कि सजदे नहीं
जा सके, इस पे क्या ये बड़ी न्यूज आई हुई थी जी। बिल्कुल, अगर इसके ऊपर बात की जाए ना तो एक उसका अपनी मर्जी थी, अगर वो करना चाहे तो करे, नहीं तो उसकी अपनी मर्जी। उन्होंने ये उन्होंने जवाब भी दे दिया। देखें, ये जो वेले निकम्मे लोगों का काम होता है बातें करना, आपको अभी कोई काम नहीं होगा, आप जाके ट्वीट करेंगे भाई मोहम्मद शमी ने सजदा नहीं किया है, मुसलमान इंतहा पसंदों की वजह से डर गए हैं वो, ये वो, यार उसकी मर्जी। आप देख लें इंडिया के अंदर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, दुनिया को वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे रिचेस्ट सुपरस्टार का नाम क्या है आप मुझे बताएं जरा, शाहरुख खान कौन है, वो मुसलमान है ना, मुसलमान है। इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़ी मूवी किसने दी है बाहुबली के बाद? बाहुबली ये आई थिंक शाहरुख खान की, सलमान खान, आमिर खान। अच्छा, दंगल मूवी। अच्छा, जंगल जो चाइना में इस टाइम सबसे ज्यादा इंडियन मूवीज देखने वाली वाहिद मूवी है जो दंगल है, दंगल है ठीक है, वो भी एक मुसलमान ने दी थी। आप इंडिया को एटमी पावर किसने बनाया? अब्दुल कलाम ने। कौन था? देखे आप, मुसलमान था ठीक है, तो यही क्यों, बात क्यों हमारे हमारे इधर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर हमारे इधर कोई बात की जाए गैर कोई मुस्लिम किसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, या किसी कोई बड़ा क्रिकेटर हो हमारे इधर हमारे मुल्क के अंदर, दानिश कनेरिया के बाद कोई एक सिख प्लेयर इतना अच्छा फास्ट बॉलर, मैंने अपने आंखों से देखा उसको लाहौर इधर उस अब्दुल कादिर के एकेडमी में ठीक है, इतना फास्ट बॉलर 140 प्लस वो पेस फेंकता है, उसको मौका नहीं दिया जा रहा, वो बेचारा पिट रहा है। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा मुल्क का नाम रोशन होगा भाई, एक सरदार एक सिख प्लेयर हमारे मुल्क में खेल रहा है, और हमें भी पता चलेगा कि भाई ये सबकी कंट्री है सिर्फ मुसलमान की नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम।